हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही आसान और लाजवाब रेसिपी, जिसमें हम बनाने वाले हैं हरी मिर्च का अचार। तो आज हम हरी मिर्च का अचार बनाने वाले हैं गाइस, और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ। आप 5 मिनट में बना सकते हैं ये आसान रेसिपी, और किस तरीके से, और हमें बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट्स में हम बनाने वाले हैं मिर्च का अचार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। इसका अचार बनाने के लिए गाइस आपको बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है वो है हमारी हरी मिर्च। हरी मिर्च को आपको बहुत ही बारीक काटना है। आप देख सकते हैं मैंने पहले इसको काट लिया था। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इन्ग्रीडियंट है वो है हमारा सरसों, और थर्ड इन्ग्रीडियंट है हमारा राई, है ना। ये सारे इन्ग्रीडियंट तो हमें हमारी किचन में ही अवेलेबल हो जाते हैं, हमें आसानी से हमारी किचन में मिल जाते हैं। और थर्ड हमारा इंग्रेडिएंट है हल्दी पाउडर, ठीक है। और फोर्थ इंग्रेडिएंट है हमारा नमक, और जो हमारा फिफ्थ इंग्रेडिएंट है वो है हमारा सरसों का तेल, ठीक है। तो अचार रेडी होने के बाद हम उसे एक जार में रखेंगे, तो हमें एक खाली जार की भी ज़रूरत है। तो हरी मिर्च का अचार बनाने के लिए सबसे पहले हम हरी मिर्च को साफ़ करेंगे, और फिर उसके बाद उसे अच्छी तरीके से धो लेंगे। और धोने के बाद जिस तरीके से मैंने ये हरी मिर्च काटी है उस तरीके से आपको काटनी है, क्योंकि इस तरीके से काटने से जो मसाला है वो अच्छी तरीके से हरी मिर्च के अंदर ऑब्ज़र्व हो जाता है, और काफ़ी अच्छा टेस्ट हमें मिलता है। अब हम जो राई हमने ली थी, राई और सरसों दोनों को एक साथ मिक्स करेंगे और दरदरा पीस लेंगे। तो मैंने ये पीस लिया है, और अब हम इस पाउडर को जो हमने जो दरदरा मिक्स राई और सरसों को एक साथ पीसा है, अब हम मिर्च के अचार बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले जो दरदरा पीसा हुआ सरसों और राई का जो पाउडर मैंने बनाया है, उसे हम सबसे पहले हरी मिर्च में मिक्स करेंगे। देखिए किस तरीके से मैं मिक्स कर रही हूँ। अब इसके बाद हल्दी पाउडर हम इसमें मिक्स करेंगे। अब इसके बाद मैं नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, अपने स्वाद अनुसार आप नमक डालें। अब इसके बाद हम लेंगे थोड़ा इसमें ऑयल डालेंगे। हमें अभी ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है, क्योंकि जब अचार रेडी हो जाएगा और हम इसे जार में डालेंगे उसके ऊपर से भी हमें ऑयल डालना है। तो अब हम देखें किस तरीके से हम इसे मिक्स करेंगे। आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है, ताकि मसाला अंदर तक मिर्च में ऑब्ज़र्व हो जाए, तभी आपको अच्छा टेस्ट आएगा। आप अपनी अकॉर्डिंग देखें कि आपको कितना ऑयल ठीक लगता है। आप इस तरीके से इसे मिक्स करें, बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करना है। और हमारा अचार बन चुका है। देखें 5 मिनट में हमारा अचार रेडी हो जाता है, और बहुत ही अच्छा टेस्ट आपको मिलेगा। आपको 3-4 दिन तक आपको इसको धूप में रखना है। और ये जो जार है, सबसे पहले आप इसे, अगर आपने धोया है तो आप इसे, इसमें पानी नहीं होना चाहिए, पानी से इसे दूर रखें। पानी है अगर इसमें तो आप इसे साफ़ कर लें और इसे सुखा लें पहले। और अब देखें इसमें अचार को किस तरीके से डालना है, ये देखें। अब अचार को थोड़ा डालने के बाद आप देखें इसे थोड़ा प्रेस करना होता है, ताकि इसमें कोई एयर कंटेंट ना जाए और हमारा जो है अच्छे से अचार अच्छा सा टेस्ट आए। देखिए किस तरीके से हमें इसे दबाना है। आप एक लेयर डालें थोड़ा अचार, थोड़ा मिर्च डालनी है। अब उसके बाद हमें इस तरीके से इसको दबाना है। देखिए किस तरीके से मैं दबा रही हूँ। अब आपको इसी तरीके से अपना पूरा जार फिल करना है, ये देखें। अब देखें आप इस तरीके से आपको मिर्च डालनी है, एक दो लेयर डालनी है, फिर उसके बाद इसको प्रेस करना है। इससे क्या होता है कि आपका अचार ख़राब होने के कम चांस होते हैं। ये इस तरीके से डालना है, और आपको इस तरीके से प्रेस करना है। और जब आपका अचार, ये आपको इस तरीके से दबाना है, इस तरीके से आपका जो जार है उसमें ज़्यादा मिर्च भी आएगी और आपका अचार ख़राब ही नहीं होगा। और आपको अचार रेडी होने के बाद 3-4 दिन तक, अगर तेज़ धूप है तो 3-4 दिन, और अगर ज़्यादा धूप नहीं है तो आपको 1 हफ्ते इसको धूप में रखना होगा,
तभी आपका अचार अच्छा टेस्ट आए अचार में अच्छा टेस्ट आएगा। ये देखें हमारा अचार कितनी जल्दी 5 मिनट में रेडी हो गया। मुझे नहीं लगता इससे आसान रेसिपी आपको कहीं मिलेगी, और इसका जो टेस्ट आता है बहुत ही बढ़िया टेस्ट होता है। और अब हम इसमें और ऑयल डालेंगे। ज़्यादा ऑयल हम लास्ट में ऐड करते हैं क्योंकि अब ये देखें अंदर तक इसका सीपेज हो रहा है और ये अंदर तक वॉइड्स में जाएगा और काफ़ी अच्छा जो टेस्ट होगा इसका हमें मिलेगा। तो अब हम इसे लगभग 500 ग्राम हरी मिर्च में हमारा 250 ग्राम तेल लग जाता है और इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट हमारे अचार में आता है। और अब हम इसे इसमें थोड़ा और ऑयल ऐड कर देंगे ताकि जो हमारा अचार है उसमें अच्छी तरीके से ऑयल नीचे तक समा जाए और अच्छा टेस्ट आए। अब हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे। तो लीजिए तैयार है हमारा हरी मिर्च का अचार। तो हम इसे 3 से 4 दिन या पूरे 1 हफ्ते की धूप दिखाएंगे ताकि हमारा अचार ख़राब ना हो। तो आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें मेरी रेसिपी और मुझे बताएं कि कैसा बना आपका अचार। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरे वीडियो के अपडेट्स और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ शेयर माई वीडियो ताकि मैं आपके लिए और वीडियो बनाने के लिए इंस्पायर हो सकूं। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।